हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया से होंगे और गार्डन में एकदम व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है स्प्रिंग सीजन का है, जो समर सीजन का फ्लावर का राजा है, जो है मॉस रोज। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी नई फुटाई चालू हो गई है। देखिए, ग्रीन ग्रीन पत्ते आने शुरू हो गए हैं। और विंटर में ये डोरमेंट था फ्रेंड्स, इसलिए देखिए ऐसे ब्राउन हो गया है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे धूप की तेज़ी बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके नए नए पत्ते भी आ रहे हैं। और मेरे जो ऊपर टेरेस गार्डन है, उसके अंदर कहीं के अंदर तो फ्लावर्स भी आ चुके हैं। और आज हम ये जो वीडियो है इसी के ऊपर होने वाला है कि आप अपने मॉस रोज की कटिंग सही तरीके से कैसे लगा सकते हो, और जो कि ये प्लांट है इसको अभी नई ज़्यादा ग्रोथ कैसे ला सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं उनकी कटिंग्स लगाने वाला हूँ इसमें, जो कि वेस्ट ऐसे जो कैंस रहते हैं, मैंने उनको ही ऐसे कट करके जो ऊपर वाला भाग होता है वो मैं किसी और प्लांट के लिए रखूँगा। इनके लिए ज़्यादा, इनके रूट ज़्यादा डीप नहीं होती है, तो इनको ये शैलो पॉट एकदम करेक्ट है फ्रेंड्स। और मैंने नीचे ड्रेनेज के लिए होल भी कर चुका है, देखिए होल कर दिया है मैंने। तो ये मैंने चार लिया है, चारों के अंदर भी हम कटिंग्स लगा देंगे हमारी मॉस रोज की। और मिट्टी के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसके अंदर ऑलरेडी कंपोस्ट था, तो मैंने अभी मिलाया नहीं है सेपरेटली। और क्योंकि ये सक्यूलेंट प्लांट है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने कई मात्रा में रेत मिलाई है, जो कि सैंड होती है। देखिए कैसे फ्री फ्लोइंग है, ये देखिए फ्रेंड, आपकी मिट्टी मिलकर दोनों साथ में ऐसी फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये एकदम परफेक्ट सॉइल है, ये देखे, ये परफेक्ट सॉइल है मॉस रोज के लिए। तो कुछ भी ऐसे पत्थर है तो उनको निकाल दीजिए। और ये देखे फ्रेंड्स, यही है। तो अभी ये जो नीचे के कटिंग्स है ना, अभी ये तो अच्छे नहीं ग्रो कर रहे, क्योंकि इधर सन बहुत इंटेंस रहता है फ्रेंड्स। अभी नई कटिंग्स लाने के लिए अभी हम ऊपर चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ऊपर जाते हैं टेरेस गार्डन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं हमारे टेरेस गार्डन पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारे प्लांट्स एकदम अच्छे कर रहे हैं। मैंने कल सुबह ही पानी दे के गया था। और ये देखिए, ब्रह्म कमल के अंदर नई नई पत्तियाँ आ रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हाइबिस्कस एक खिला हुआ है। तो अभी हम लेंगे हमारे कटिंग्स। और फ्रेंड्स, मेरे को आपको एक चीज़ भी दिखाना था, ये देखिए जो एमरिस लिली होता है उसके फ्लावर्स है ये। ये देखिए दो स्टॉक्स ऐसे निकले हैं, दो निकले हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पोर्चुला का मॉस रोज, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जो आप अच्छे से वाकिफ हो इस प्लांट से, क्योंकि ये सबके घर में रहता है फ्रेंड्स। ये देखिए आज ही खिल के ऐसे बंद हो चुका है, क्योंकि ये शाम का वक्त है। ये देखिए सारे खिल चुके, इतने अच्छे थे और मैंने फोटोज भी लिया है। ये देखिए, तो ये खिल के बंद हो चुके हैं क्योंकि अभी शाम का वक्त है। इनको इसलिए तो 9 to 5 कहते हैं, ऑफिस टाइम भी कहते हैं, जो कि 9 to 5 रहता है, उस वजह से इनको पोर्चुला का कहते हैं, 9 to 5 कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इनकी आपको जानकारी चाहिए तो मेरा सबसे पहला, इस चैनल का सबसे पहला वीडियो इसी प्लांट के ऊपर था, तो आप ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। उसके अंदर मैंने सभी चीज़ों को कवर किया है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो फिलहाल तो अभी हम हमारे कटिंग्स लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये वाला कितना हरा भरा है, ये देखिए खाद दिया था इसको, तो अभी सारे अच्छे कर रहे हैं। ये देखिए, तो अभी हम अच्छे जो हरे भर है सिर्फ उनकी कटिंग्स लेंगे। इसके अंदर सारे पिंक है, इसके अंदर सारे मिक्स है। तो अभी हम एक एक कटिंग ऐसे लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको कभी भी हरा कटिंग इस्तेमाल करना है। देखिए ये सूखे सो नहीं करना है, जो सूख चुका है उसको नहीं लेना है। ये देखिए, ये आराम से लग जाएगा आपका कटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी कटिंग ले ली है और अभी हम इन सभी को नीचे लेके जाते हैं। ये देखिए, अभी हम सारे कटिंग्स को नीचे ला चुके हैं और मिट्टी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए कितनी अच्छी फ्री फ्लोइंग है आपकी मिट्टी, ऐसे कॉम्पैक्ट नहीं है, ऐसे देखिए एयर सर्कुलेशन के लिए कितना अच्छा है ये। आपकी मिट्टी भी ऐसी होनी चाहिए।
और अभी हम भर देते हैं सारे पॉट्स में एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे के अंदर मिट्टी भर दी है, और मैंने मिट्टी सिर्फ आधी भरी है, क्योंकि ये जो पॉट है ना, इसका नीचे का सरफेस एरिया बहुत कम है, तो उस वजह से ये गिरने के चांसेस है। तो सिर्फ मैंने आधा भरा है, तो क्या है, ये स्टेबल है। तो अभी फ्रेंड्स हम सब में एक बार पानी डाल देंगे, इसके बाद ही कटिंग लगाएंगे ताकि आसानी हो। ये देखिए, पहले पानी डाल देंगे अच्छे से पानी डाल देंगे, ताकि पूरा पानी आपका बाहर आ जाए, ताकि आपके नीचे की जो मिट्टी है उसको भी अच्छे से पानी नीचे तक मिल जाए। आपके जितने भी कटिंग्स है उनके जो नीचे वाला जो भाग होता है, उसके सारे पत्ती को आपको ऐसे निकाल देना है। अभी तो एक ही हाथ से कर रहा हूँ, अभी नहीं आएगा। मैं अभी इन सारे जो नीचे वाले पत्ती है ना, जो रूट बनेंगे, उनको भी हटाना पड़ेगा। अभी पानी अंदर जा चुका है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कटिंग लेनी है और नीचे की पत्ती जैसे मैंने कहा था उसको ऐसे इस तरह, और जो आपकी कटिंग है उसको आपको बस सिंपली ऐसे अंदर डालना है बस। तो फ्रेंड्स अभी आवाज़ बहुत आ रही है, फ्रेंड्स उसको इग्नोर करिए। इस तरह से आपको सारे में जितने भी आपका कंटेनर है उन सभी को भर देना है। इधर आवाज़ बहुत आ रही है फ्रेंड्स, तो ये देखिए सारे को ऐसे भर देना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे के अंदर जो कटिंग्स है हमारी, सभी को मैंने अच्छे से लगा दिया है। देखिए अभी ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये खुद ही इतने अच्छे लश ग्रीन होंगे, और इनके अंदर खूबसूरत फ्लावर्स भी होंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारे के अंदर मैंने डाल दिया है। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स इधर, तो इधर ये देखिए फ्रेंड्स इधर पेरीविंकल के दो ऐसे प्लांट्स आए। आप सोच रहे होंगे कि मैं इनको क्यों दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए फ्रेंड्स, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, मैंने इनको उगाया तो नहीं है, लेकिन शायद उनके सीड्स इधर से ऐसे गिर के वो जर्मिनेट हो गए फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर खुद से तो नहीं लगाए, बीज से आया है, और इनको मट्टी भी नहीं है और खाद भी नहीं है। तो यही हमको एक सीख देता है फ्रेंड्स, इससे हमको एक सीख मिलती है कि आपके डिफ़िकल्टीज़ कुछ भी हो फ्रेंड्स, लेकिन कोशिश कभी भी करना चाहिए फ्रेंड्स, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए ये बिना खाद और बिना पानी के भी ये देखिए ब्लूम पे लगा है। तो यही है फ्रेंड्स, देखिए इससे एक सीख मिलती है कि आपके कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ हो, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए, और आप ऐसे शाइन करते रहना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावरिंग भी कर रहा है बिना पानी और बिना खाद के। तो यही सीख मिलती है फ्रेंड्स हमको। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। और अगर आपको कुछ भी सवाल या फिर कुछ भी शेयर करना हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।